देखिए प्रश्न किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज का, और तीन वर्ष बाद यानी टाइम 3 वर्ष दिया हुआ है, राशि कितनी मिलेगी यानी अमाउंट पूछ रहा है, और मूलधन कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे ए बराबर टी 1+R/100 का पावर टी, एक जगह निकालना है ए को, टी की जगह लिख देंगे क्या 10,000। ठीक है, 1+R/100 कितना है 10/100, टाइम कितना दिया हुआ है, सुना से सुना करता 10 और 1 11, 10,000 × 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 10 का क्यूब 1000। ठीक है, 3 × 0 = 3 × 0 कट जाएगा, 1331 से 10 गुना हो जाएगा जो हो जाएगा 13,310, यही हो गया मिश्र। देखिए इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रश्न है और पूछ रहा है क्या ब्याज की दर, मतलब आज पूछ रहा है, पी दिया हुआ है 5,000 और ए दिया हुआ है 6,050। फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम भी दिया हुआ है 2 वर्ष, ए बराबर पी 1+R/100 का पावर टी, पुटअप कर देंगे वैल्यू, ए के जगह कितना लिखेंगे 6,050, पी के जगह 5,000, 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आर लिखेंगे 100, और टाइम कितना दिया हुआ है 2, ये 5,000 इधर आ क्या होगा डिवाइड पर आ जाएगा 6,050/5,000 है ना, और इधर हो जाएगा 1+R/100 का होल स्क्वायर। तो हमको ये वाला राशि जो है स्क्वायर में लाना है, कभी तक क्या होगा सुनना हो पाएगा, तो सुनना से सुनना कटा देंगे, 5 से ही कटेगा, 100 बार में कटेगा 121 बार, और ये 100 बार में, 121 किसका वर्ग होता है 11, 100 किसका होता है 10, 11 × 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और ये हो गया 1+R/100 का होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर और स्क्वायर तुलना करके क्या करेंगे, हटा देंगे, क्या बच जाएगा 11/10, ये 1 इधर क्या हो जाएगा, और इधर 4/100, 11 में 10 गया तो 1/10 R/100, नीचे वाला नीचे से कटेगा, आर बराबर कितना बच जाएगा 10 तो 10। देखिए प्रश्न किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज का, ये क्या हो गया मूलधन यानी पी, और ये क्या हो गया मिश्रधन यानी ए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। ठीक है, क्या निकालना है हम लोगों, पी निकालना, फॉर्मूला लगाएंगे ए बराबर पी 1+R/100 का पावर पी, ये कितना है लिख देंगे 9,961, पी कितना है 8,000, 1+R/100 कितना है 5/100 हो गया ना 5 है, और टाइम निकालना है तो टी ही लिख देंगे। ठीक है, याद है जरा क्या हो जाएगा डिवाइड में 9,961/8,000, और इधर ये कितने में कटेगा 20 है 21/20 का पावर, ये जो देखेंगे ये 20 का क्या है 8,000 क्यूब है, 9,961/21 का क्या है क्यूब है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 21/20 का होल क्यूब लिख सकते हैं बराबर 21/20 का पावर टी। ठीक है, कंपेरिजन करेंगे तो टी की जगह पर कितना है, इस तरह से कितने वर्ष हो गया 3 वर्ष समय है। देखिए यहाँ पास जो है किस रेट से घट रहा है, पलायन के कारण चाहे मृत्यु के कारण 5%, ये क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझ रहे हैं ना, और कह रहा है जनसंख्या थी कि थी 1,20,000, ये क्या हो गया मूलधन की तरफ, जो मूल जनसंख्या था कितना था 1,20,000, वो कब था पिछले वर्ष, अब पूछ रहा है कब अगले वर्ष, तो पिछले वर्ष से लेकर अगले वर्ष तक समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष ना। ठीक है, और यहाँ पास क्या हो रहा है घट रहा है, घट रहा है तो फॉर्मूला वही लिखेंगे, बस प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 1-R/100 का पावर 3, घट रहा है क्योंकि। ठीक है, जैसे मिश्र धन ब्याज भी क्या होता है बढ़ता है, और इसमें जनसंख्या क्या हो रहा है घटता है, क्लियर हुआ, ये निकालना है हम लोगों को, तो घटेगा 1,20,000 से क्या होगा कम आएगा, और मिश्र धन जो निकालते हैं ब्याज के साथ हम लोग उसमें क्या होता है ज्यादा आता है, इसमें क्या आएगा कम आएगा, पी की जगह क्या लिखेंगे 1,20,000 1-R/100 कितना है 5/100, टाइम कितना हुआ 2, पावर में कटेगा 20 माइनस 1 19 हुआ ना,
120,000 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 20 का स्क्वायर 400 दो को सुना कटा देंगे 4 से कितने बार में कटेगा 300 बार में 300 को 361 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको 108,300 यही आपको क्या होगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न किसका ये ध्यान देंगे किसका है चक्रवृद्धि ब्याज का है ना 16,000 ये क्या है मूलधन 17,640 क्या है विशुद्धन ठीक है। समय कितना दिया हुआ है टाइम 2 वर्ष निकालना क्या है ब्याज की दर आर निकालना ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे वही वाला ए बराबर पी 1+R/100 ए की जगह कितना है 17,640 पी की जगह कितना है 16,000 1+R निकालना है टाइम कितना है 16,000 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 17,640/16,000 और इधर क्या बचा 1+R/100 ठीक है। एक सुना कट गया इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर बचा ना होगा ना 1600 किसका स्क्वायर होता है बहुत आसान है 40 का और 1600 से थोड़ा सा ही अधिक है 1764 41 का करेंगे तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा क्या होगा 42 का होगा तो इसको क्या चीज का लिख देंगे 42 का स्क्वायर ठीक है। और इधर भी 1+R/100 का स्क्वायर 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 तुलना करके क्या करेंगे हटा देंगे क्या बच जाएगा 42/40 1+R/100 वन इधर क्या होगा माइनस होगा क्या हो जाएगा 42/40 -1 और इधर क्या बचेगा R/100 है ना एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 40 42 में 40 माइनस हुआ तो 2/40 और इधर R/100 दो से कौ बार में कटेगा 20 बार नीचे से नीचे से कटेगा कौ बार में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आर में नंबर क्या आ जाएगा 5%। देखिए प्रश्न में सबसे पहले चेक कीजिए कि किसका प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज का है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और उसके बाद चेक कीजिए कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है कितनी राशि प्राप्त होगी यानी कि ये 15,000 जो है मूलधन है पी है ठीक है और CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर दोनों जोड़ते हैं तो क्या होता है मिश्रधन ठीक है। अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए बराबर पी 1+R आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 और पावर में टी ठीक है टाइम कहीं कहीं एन भी चुका रहता है वो आप अपने इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। ए निकालना है पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है मूलधन कितना है 15,000 यहाँ पर क्या लिख देंगे 15,000 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% दिया हुआ है 10/100 और पावर 2 साल है तो 2 कर देंगे ठीक है। ये सुना से ये सुना क्या हो गया कट गया एलसीएम लेंगे तो 10 × 1 = 11/10 क्या चीज स्क्वायर है ना स्क्वायर करेंगे गुना में रखेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 141 और ये 100 तो ये दो सुना कटेगा और 150 से 121 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 18,150 रुपए यही क्या हुआ मिश्रधन अमाउंट। देखिए क्या कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम लोग पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं ए बराबर पी 1+R/100 ठीक है। मिश्रधन निकालेंगे मूलधन कितना है 4800 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है और समय कितना है 2 वर्ष 5 × 15 20 × 100 हो गया ना एक हो गया 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 और 20 का स्क्वायर 400 से कौ बार में कटेगा 12 बार में 12 को 529 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6,348 ये क्या आ गया मिश्रधन और मूलधन कितना था 4800 तो घटा देंगे आ जाएगा 8, 4, 13 में आ गया तो 5, 5 × 4 = 1500 हो गए इसका। देखिए कोई निश्चित धन जो है 3 वर्ष में कितना हो गया है 34.72 2 वर्ष में कितना हो गया है
37.07.5 ठीक है। कोई धन मान लो पी था, 3 वर्ष में इतना हो गया मिश्र धन ठीक है, और 2 वर्ष में इतना था मिश्र धन ठीक है। तो अंतर कितना हुआ 1 साल का वो निकाल लेंगे, अंतर कितना हुआ तो कितना हो जाएगा 37 हो गया 7 और 6, और ये 12 में 7 गया तो 5, 6 और 4 में 3 गया तो 1, 3 का 3 कैंसिल हो गया, ये अंतर हो गया 1 साल का। यानी अगर कोई धान 2 साल में इतना था, 3 साल में इतना हो गया, इतना बढ़ है ना। तो हम लोग मिश्र धन चक्रवृद्धि वाला तो फॉर्मूला लगाते हैं, ए बराबर पी 1+r/100 का पावर 3 ठीक है। तो ये मिश्र धन है, मिश्र धन कितना है 3 साल में 34.72 समझ में। मूलधन मान लो कितना था 2 साल में 37.07.50, यही ना 1 साल में बढ़ के कितना हो गया, इतना हो गया, कब क्या बढ़ के इतना बढ़ के ठीक है। हमको क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय क्या हो गया, 1 साल में ना बढ़ा है, पावर 1 रहेगा। अब ये क्या आएगा डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में इसको लिखेंगे 347.87 / 3307.50 इधर क्या हो गया 1+r/1 इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 347.87 / 3307.50 -1 = r/100 ये माइनस करेंगे यही ना आएगा 165.37 / 3307.50 = r/100 100 से मल्टीप्लाई होगा ना, ये डेसिमल तो 2 अंक का क्या हो जाएगा हट जाएगा, कब बच जाएगा 165/37 = 16,537 और उसमें जब भाग करें किससे 3307.50 से ठीक है, ये लगभग कौन बार में कर देगा 5 बार में, तो दर कितना हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न में अंतर पूछ रहा है किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कई साल का है 3 वर्ष, तो ध्यान रखिएगा 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है, पहले 2 वर्ष वाला का डिफरेंस अंतर बराबर पढ़े थे आप, तो पी आर बाई 100 का स्क्वायर जो 2 साल का बताता था। अब बस 3 साल के लिए क्या करेंगे, बगल में 300+r/100 ये गुना में कर देंगे, ये कितने साल का डिफरेंस के लिए फॉर्मूला हो गया 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में ठीक है। तो अब डिफरेंस कितना दिया हुआ है 620, डी के जगह लिख दिया, पी निकालना है मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 10/100 यहाँ 300+10/100 ठीक है। ये सुना क्या हो गया कट गया, तो ये हो जाएगा आपको इधर 620 रह गया, पी रह गया और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, क्या हो जाएगा 1/100 और यहाँ 300 और 10 310/100 हो गया ना। अब ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला डबल है ना, कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2 का किससे 100 और 100 से, पी बराबर क्या बच जाएगा 2 पे कै गो सुना 4 गो सुना, यानी कि 30,000 रुपया मूलधन। देखिए प्रश्न में क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र आसान वाला कौन है, मिश्र धन निकाल लेंगे और मूलधन माइनस कर देंगे ठीक है। ए बराबर पी 1+r/100 का पावर 3 अब क्या है यहाँ पास 3 वर्ष का पूछ रहा है, लेकिन हर वर्ष जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है चेंज हो रहा है ठीक है। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, जब अमाउंट निकालना हो तो मूलधन लिख देंगे, मूलधन कितना है 5,000 ये हुआ है ना, और यहाँ ध्यान दीजिए 1+r पहला वाला r कितना है 8%, 8/100 पावर 1 ही ना रहेगा 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए फिर क्या करेंगे 1+10/100 गुना करके ठीक है, और तीसरे साल के लिए 1+12/100 ये निकाल लेंगे इस तरह, क्लियर हो रहा है। इस फॉर्मूला में यही चेंज करेंगे, तीनों को गुना को बारी बारी से लिखेंगे, यहाँ क्यूब में लिखते थे क्यूब लिखना होता था, तो कब क्यूब लिखेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा सेम रहेगा, और यहाँ पास 3 बार लिख दिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट का ठीक है। अब 5,000 उसके बाद इसको जोड़ेंगे 100+8/100, 100+10/110/100, 112 ठीक है, 2 0 2 0 कट गया
पचास से कई बार में कटेगा, दो बार में, ठीक है। एक शून्य इससे ये भी कट गया, ठीक है। दू से इसको कटा लेंगे, कितने बार में कटेगा, छप्पन, तो बच गया कितना ऊपर में, 108 गुने 11 गुने 56 बटा 10, ये 10 किलो, ठीक है। गुना करेंगे तो आ जाएगा 66,528 बटा 10, पीछे से एक डेसिमल दे देंगे 10 हटाने के लिए, कितना हो गया, ये क्या हो गया अमाउंट, नीचे धन मूलधन कितना था 5,000, माइनस कर देंगे किसके लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, ठीक है। माइनस करेंगे तो पॉइंट तो रहेगा 2, 5, 6, 5 गया तो 1652 रुपया। देखिए यहाँ पास मूलधन दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया हुआ है, और उसके बाद टाइम पी दिया हुआ है, ठीक है। क्या निकालने बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सी आई, ठीक है। तो अगर निश्चित धन निकालेंगे और मूलधन माइनस कर देंगे, सी आई बराबर ये भी होता है ना, ए माइनस पी, ठीक है। तो हम लोग निश्चित धन निकालते हैं, निश्चित धन का फॉर्मूला क्या होता है, ए पी 1+R/100 का पावर, निश्चित धन निकालना है, मूलधन कितना है 50,000, 1+R/8 8% बटा 100, टाइम कितना दिया हुआ है 25 से कटाए, सॉरी 4 से कटाएंगे, 2 बार में 4×8 और ये 25 और 2 27 होगा ना, ये हो गया 27/25 का होल स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 729, इसको हम लोग दो बार लिख देंगे, 25×25 कटाने में आसान रहेगा, 25 से कई बार में कटेगा, दो बार में कितना बचेगा 2000, फिर 25 से कटाएंगे कई बार में कटेगा 80, 8 से गुना करेंगे 8×9=72 का 2 हाथ में बचा 7, 8×16=7 23, 8×7=56 और 2×58, ठीक है। ये को सुनना जो है, ये क्या हो गया निश्चित धन, मूलधन कितना था 50,000, तो सी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे ना, कितना बचेगा 5,320, यही हो गया क्या चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए हम लोग को राशि पता करना है, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो फॉर्मूला लगा देंगे अंतर के लिए, डी बराबर पी आर बाई 100 का स्क्वायर, तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2.56 रुपया, 2.56, पी पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8/100, समय तो 2 के लिए ही प्रयोग होता है फॉर्मूला। अब क्या करेंगे हम लोग, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 100 का स्क्वायर 10,000, ठीक है। तो अब पी बराबर निकालना है, 2.56×10,000 बटा 64, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 अंक है, ये डेसिमल हटेगा, 2 को सुना क्या हो गया कट गया, कितना बचा 256, 64 से 2 बार में कटेगा 4 बार में, 4×100 कितना आ गया 400, यानी मूलधन कितना हो गया 400। देखिए प्रश्न में 2 वर्ष का है और राशि ज्ञात करना है, यानी पी ज्ञात करना है, और 2 वर्ष का है और अंतर कितना दिया हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 25 रुपए, तो अंतर वाला सूत्र होता है डी बराबर पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर, अंतर कितना दिया हुआ है 25, पी निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है बटा 100 का स्क्वायर, क्या करेंगे 20 बार में कटेगा, पी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 20 का स्क्वायर 400, 25 से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, पी बराबर 25×4=100, अच्छा सुनना कितना आ गया मूलधन 10,000। देखिए हम लोग से पूछ रहा है क्या कि धन राशि क्या है, यानी पी क्या है, ठीक है, और ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है 4, तो 2 वर्ष वाला में यह फॉर्मूला लग सकता है कौन, पी बराबर पी आर बाई 100 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 वर्ष, ठीक है। डिफरेंस कितना दिया हुआ अंतर 40, पी का मान निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10% बटा 100 का, ये सुना में कटा देंगे, क्या बच जाएगा पी 1×1=10×100, इधर कितना है 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 40×100 4,000, यानी मूलधन कितना था 4,000 रुपया,
देखो क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से धनराशि एक वर्ष में 650, यानी एक वर्ष के बाद अमाउंट जो है निश्चित धन कितना हो जा रहा है 650, और दो वर्ष बाद कितना हो जा रहा है 673 अमाउंट, ये भी निश्चित धन है, ये एक साल का और ये दो साल। मान लो क्या पी मूलधन अगर पी है तो अमाउंट इस तरह से हुआ है, तो आप क्या देख रहे हो एक साल में कितना बढ़ा 26 रुपया ना, अगर एक साल बाद मूलधन ये हो जाए उसका ब्याज क्या रुपया आ रहा है 26 रुपया था, तो उस आधार पर अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं ए बराबर पी वन प्लस आर बाई 100 और टाइम एक साल का, अमाउंट कितना है 600, दूसरा साल पहला साल कितना था 650, वन प्लस आर बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, टाइम तो एक था तो एक पावर लिखने की जरूरत नहीं है, 650 क्या हो जाएगा इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर क्या बचा वन प्लस आर बाई 100, वन आके क्या होगा इधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको क्या 676 माइनस 650 माइनस 1 बराबर आर बाई 100, 650 माइनस होगा ना 676 में कितना बचा 26 बचा 650 आर बटा 100, 13 दूनी 26, 13 5 65, ये सुनना है 50 से कौ बार में दो बार में नीचे होगा नीचे से देंगे 2 दूनी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, अब पहले साल वाला या दूसरा साल वाला जो भी पंगा लगाने के, अगर पहले साल वाले पे लगाते हैं तो ध्यान दीजिए, अब फिर निकालेंगे ए बराबर है ना अमाउंट कितना है इसी फॉर्मूला पे पी वन प्लस आर बाई 100 एक साल के लिए, तो अमाउंट पहला साल में कितना हुआ है 650, मूलधन पी था पहला साल और वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4/100, ठीक है, कोई मूलधन पी था वही ना एक साल में बढ़ के 650 हुआ है, तो अपन में कितने का 25 है 26, 650 बराबर पी गुने 26/25, 13 दूनी 13 5 50 से कटा फिर तीन से दो बार में कटेगा 25 यानी कि मूलधन कितना था 625, तो एक साल बाद बढ़ के कितना हो गया 650, दो साल बाद बढ़ के कितना हो गया 600। देखिए इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, ठीक है, इस तरह का जब भी प्रश्न रहेगा तो आप अंतर मतलब डिफरेंस हो गया डी हम लोग को निकालना है, डी बराबर होता है पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है 2 ये क्या बता रहा है 2 वर्ष, यानी ये फॉर्मूला किस पे लागू होगा केवल 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर और किसी पे लागू नहीं होगा, ध्यान रखिए, ठीक है, तो इस प्रश्न पर लागू हो सकता है क्योंकि ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, तो हम लोग को डी निकालना है अंतर डिफरेंस है ना, पी बराबर कितना दिया हुआ है 1000, कितना दिया हुआ है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5/100 का 1000, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/50 में 10000, 3 × 0 और 3 × 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा 25/10 बचा 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा डेसिमल में चेंज हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कौन पे डिफरेंस हुआ 2500। देखिए प्रश्न किसका है चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का ये सूत्र है, अब हम लोग को मूलधन मूलधन कितना दिया हुआ है 16000, ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 20% वार्षिक, क्या लिखा हुआ है 20% वार्षिक, पर ध्यान दीजिएगा हम लोग को ब्याज त्रैमासिक संयोजित करना है, क्या करना है त्रैमासिक, यानी 3 महीना पे ब्याज लगेगा, तो 20% अगर साल भर पे लगता है 3 महीना पे त्रैमासिक कितना लगेगा 5% ना, साल में कौन को 3 महीना होता है 4 को, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5% त्रैमासिक, 3 महीना पे 5% तब ना 12 महीना पे 20% लगेगा, और समय जो है 9 माह का निकालना है, कितना का निकालना है तो 3 माह के हिसाब से 9 माह में टाइम 9 माह है क्या गो त्रैमासिक होगा 3 गो त्रैमासिक हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से टाइम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, आप पुट अप करेंगे सी आई को सी आई लिखिए पी के जगह 16000 वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5/100 का पावर 3 - 1, ठीक है 16000
कौन बार में कर देगा? 20 बार में, 20 और 1 21, 21 का क्यूब कितना होता है? 5161। 20 का क्यूब कितना होता है? 8। माइनस 1 है नहीं, 5000 माइनस होगा कितना बच जाएगा वो? 1261। 8000 माइनस होगा ना एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना होगा? 1261 से गुना करेंगे तो 2522 यही हो जाएगा। देखिए हम लोग से प्रश्न पूछ रहा है किसका? चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सूत्र ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। लेकिन अब सूत्र में पुट अप करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे। मूलधन कितना है? 160000। पी के जगह तो लिख देंगे 160000। पी बराबर कितना दिया हुआ है? 1,00,000। ठीक है, और उसके बाद टाइम 2 वर्ष। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। पर ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% प्रतिवर्ष। वार्षिक मतलब क्या हो गया? 1 साल में लगेगा 10%। ठीक है, और 6 माही दे है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 6 माही, यानी कि साल में कौन बार चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा? 2 बार। साल में 2 बार लगेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वार्षिक है, 6 माही कितना हो जाएगा? 5% ना, 5% क्या हो जाएगा? 6 माही। वार्षिक से 6 माही हो गया। साल में अगर 10% लगता है, 6 महीने में कितना लगेगा? 5% लगेगा। अच्छा, टाइम 2 वर्ष। 2 वर्ष में कौन 6 महीना आएगा? 4 बना। टाइम 2 वर्ष की जगह क्या लिखेंगे? 4 समाही। इस तरह से टाइम बदल गया 4, रेट बदल गया 5। समझ में आ रहा है? अब इसमें पुट करेंगे। पुट करेंगे तो सी आई बराबर पी, पी तो यही रहेगा 1,60,000। ठीक है, और 1+R, R की जगह कितना लिखेंगे अब? 5/100। टाइम की जगह कितना लिखेंगे? 4 माइनस। ठीक है, 1,60,000। और ये पावर में कितने का? 20 और 1 21/20 का पावर 4, होल पावर 4 हो जाएगा, -1। ठीक है, 1,60,000। और इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा 21 का पावर 4 कितना होगा? 1,94,481। 21 को 4 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 1,94,481। 20 को करेंगे तो 1,60,000 बार गुना करेंगे। ठीक है, माइनस सॉल्व करेंगे इसको, 1,60,000 से इधर दिए, क्या बचेगा? 34,481। यही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये किससे संबंधित प्रश्न है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र ये होता है। अब हम लोग देखेंगे 993 रुपया क्या है? ब्याज है। सी आई की जगह क्या लिख देंगे? 993। मूलधन निकालना है। मूलधन क्या है? टी 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, लिखनी है 10%। समय 3 वर्ष, पावर कितना कर देंगे? -। ठीक है, 993 वैसे ही जाने देंगे। इधर देखिए, ये सुना कटेगा ना? 10/11/10³-1 993 3 और पोस्ट के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 11 का क्यूब कितना होगा? 1,300 / 1,000 10³-1। ठीक है, 993 3 और ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1,331 - 1,000 होगा, बट्टा कितना बचा? 331 बचा, बट्टा 331 से 1 बार में कटेगा? 3 बार में 993। ठीक है, 3 से क्या है? 1,000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कोना को नहीं गुना, मूलधन कितना आ जाएगा? 3,000। यही आंसर होगा। देखिए, प्रश्न किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज का दिखाई दे रहा है, तो हम लोग सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? सी आई बराबर
टी वन प्लस आर बाई हंड्रेड का पावर पी माइनस वन, ठीक है। तो सी आई कितना दिया हुआ है, 512 रुपया 50 पैसा, ठीक है। पी निकालना है, वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 5/5, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष, पावर क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे 512.5 रिकवर में कटेगा 20, 20 और 21 है ना, 21/20 का होल स्क्वायर माइनस 1, इधर वाले को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा कितना 441, ये 20 जो है यहाँ देखेंगे 441 बट्टा 400 होगा ना, एलसीएम लेगा तो क्या होगा, माइनस 400 इधर आ जाएगा बट्टा 400, और इस साइड में क्या है 512 पॉइंट, तो कितना बचा माइनस करके 40 बट्टा 400 512 पॉइंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 512.50 अगुने 400 41 क्या चीज में आ जाएगा बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के बाद 2 अंक है, डेसिमल हटाएंगे तो 2 क्या हो गया 41 से, अब ये 51,250 जो है 1250 बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा ये 1250 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5,000, यानी मूलधन कितना रुपया था